हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? वेलकम टू द योर यूट्यूब चैनल डीएस क्रिएटर। गाइस, कल मैं मार्केट गया था तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो मैं चाहता हूँ इसे आप भी देखें। मैंने कल वाले व्लॉग में उसे थोड़ा सा डाला है, पर फिर मेरा मन हुआ कि नहीं यार, पूरी चीज़ डालूँ मैं आपके सामने। तो आपको उस पूरा जो मेरे साथ घटनाक्रम हुआ उसकी पूरी डिटेल भी दे रहा हूँ, और आप पूरा उसको देखिए और फिर बताइए मैंने क्या सही किया या गलत किया। अगर सही किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे खूब सारा प्यार मुझे देते रहिएगा। और अगर गलत किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा भाई मैंने गलत क्या किया है। और उसमें जो पूरा जो मैंने वो जो वाक्य हुआ वो एक यूँ समझ लीजिए कि बाय मिस्टेक रिकॉर्ड हो गया। मैं उसको चाहता नहीं था रिकॉर्ड करूँ, पर बाय मिस्टेक रिकॉर्ड हो गया है। तो मैं चाहता हूँ आप सब भी उसे देखें, एक्सपीरियंस करें। और जिस व्यक्ति से मैंने उसमें बात की, उसके बाद उसको शाम को उसका फ़ोन भी आया, मैं उससे मिलने भी गया, और उसके बाद में भी मैंने बहुत कुछ उसके लिए किया या हेल्प की, तो उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस तरह के जो काम है उसको मैं दुनिया के सामने बता के सिंपति लेने का प्रयास करूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए पूरा वीडियो, और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? चलिए मिलते हैं, जय हिंद। फटाफट से देखिए पूरा वीडियो। कहाँ मजा ले रहे हो आज? क्या व्यवस्था कर रहे हो बच्चे के लिए? आटा खाना दिला दूँ तो? अच्छा, घर पे बैठ के बनाते हो क्या? ठीक है वाह। अच्छा, घर वाले भी हैं यूँ? तो क्या कर, कहाँ रहते गाँव? परशुराम चौराहे, ये अपने मादड़ी लिंक रोड पे है, वो वाला चौराहा है ना, पक्का वहीं रहते हो क्या? नंबर वंबर है तुम्हारा? वहाँ और कौन कौन है घर पे? तीन बच्चे बच्ची है, मेरी घर वाली है। और नहीं, मैं मदद तो कर दूंगा तुम्हारी, पर मेरे को वहाँ आऊंगा तो करूंगा, क्योंकि यूं वाला मेरे साथ चांटी हो रखी है। मैं मदद कर दूंगा तुम्हारे, 10 किलो आटा, तुम्हें 10 किलो आटा ला के दे दूंगा, कोई बात नहीं। परशुराम चौराहा नहीं? हाँ है, परशुराम चौराहा है, नई बड़ौदा बैंक बनी है। हाँ, इस तरफ नई बड़ौदा बैंक है। हाँ। है उस है, उससे आगे एक और बनाई है। हाँ, एक और नई बैंक बड़ी है। हाँ, सामने सामने दो तंबू लगा हुआ है अपने। देखो इधर से चौराहे से आगे जाएंगे, फिर एक और गोल चौराहा था बड़ा सा, उससे आगे जाते हैं, इधर बैंक ऑफ बड़ौदा का वो बना हुआ है, उससे और आगे है कि कैसे क्या है? मेनेरिया गेस्ट हाउस। मेनेरिया गेस्ट हाउस तो इस तरफ आ गया, सेक्टर 6 में। मेनेरिया गेस्ट हाउस से इस तरफ आना पड़ेगा। हाँ हाँ है, है। बड़ा गेट लगा हुआ है। अरे यार, तुम्हारे पास मोबाइल होता है, नंबर होते हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ, पर तुम भी इसी कंडीशन में हो। वहाँ अभी कितनी देर में जाओगे आप? शाम तक जाओगे? खुले पैसे दादा, 500 के खुले हैं, दे दो ना यार, 100-100 के चार दे दो यार, 4-5। 500 के खुले दे दो यार। रिकॉर्ड अभी तो बंद कर रखा है। ये चीज़ें क्या रिकॉर्ड करेगा, अच्छा नहीं लगता है क्या यार भाई मेरे? हाँ नहीं, क्योंकि यार क्यों किसी की फायदा उठाना मजबूरी का यार। अरे नहीं, वो बालक को भेजा था यार, तो ये लो, ये 200 रुपये रखो आप, ठीक है? पक्का आटा ही लाओगे ना? हाँ, देखो आटा नहीं लाओगे ना, ऐसा कुछ करोगे, देख मैं आपके आगे और भी मदद कर सकता हूँ। मेरा नंबर ले लो या मेरा कार्ड ले लो, और भी मदद करूँगा मैं आपकी। हाँ, कार्ड ले लो आप मेरा, तो मैं आपकी और भी मदद करूँगा, पर ऐसे झूठी काम, झूठे हरकतें की नहीं, देख लेना, फिर लंका लगाऊंगा। हाँ, दारू वारू नशे वशे किए नहीं, देख लेना भाई मेरे, ठीक है? उदयपुर में फिर मेरे से कोई बचाएगा नहीं तुझे। ये ले, ये मेरा कार्ड है, ठीक है? मेरा नंबर भी इसके पीछे है। और कोई मदद चाहिए, आटा वगैरह राशन वगैरह कुछ चाहिए तो फ़ोन कर देना मुझे, ठीक है? और ये भी ले जाके बच्चों को खिलाना तेरे।
नहीं नहीं अरे हाँ देखो अगर तुम सही हो तो तुम्हारी और भी मदद करूंगा मैं, ठीक है, और गलत निकल गए फिर इस उदयपुर में तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, फिर मत कहना मैं बहुत खराब आदमी हूँ इस मामले में। एक बार आके देख लेना। मैं आऊंगा आज शाम को ही आऊंगा मैं। कितने बजे मिलोगे वहाँ पे बच्चे सब तुम्हारे? 6 बजे। मेरे को एग्जैक्ट जगह बताओ कहाँ है। घर पे जाके मैं किसी के पास में मोबाइल लेके मैं फोन करूंगा। हाँ फोन करवाना मेरे को, ठीक है, मैं मिल जाऊंगा वहीं तुम्हें। हाँ पक्का मदद करवाना। और मैं कह रहा हूँ और भी कुछ काम हो ना तो बताना मुझे, हॉस्पिटल का या कुछ भी काम हो, ठीक है। आप अगर सही ईमानदार आदमी हो तो मैं आपकी बहुत सारी मदद करवाऊंगा, बच्चों के पढ़ाई वढ़ाई सब करवा दूंगा मैं आपके, ठीक है। चलो वाह ओके सर। गाइस आपने पूरा वीडियो देख लिया, बताइएगा क्या मैंने सही किया या गलत किया। अगर सही किया है तो आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि भाई किसी को अगर दो ना तो इतना दो उसे एक टाइम का उसका भरपेट खाना हो सके। एक दो रुपए दे के इंसल्ट मत करो उसकी, ठीक है, इतना दो कि एक टाइम वो खाना खा सके। अब मैं ऐसा नहीं कहता हूँ दिन में सबको एक एक रुपया दो, आप किसी को भी दो, जिसको जरूरत है उसको दो, उसकी मदद करो। अगर मैंने सही किया है और आपको लगता है कि भाई ये वाकया सच था, क्योंकि अधिकतर लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं इस तरह की जो चीज़ें होती है ना उसमें कमेंट करते हैं, बेस्ट एक्टिंग ना फलाना टिकाना बहुत सी बातें करते हैं, अपने को वो चीज़ नहीं पसंद है, आपको नहीं अच्छा लगे तो प्लीज़ आप बता दीजिए भाई हमें अच्छा नहीं लगा तो अपन वीडियो हटा देंगे, और आपको लगा कि नहीं सही किया है तो बस मुझे प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, अपनी जल्दी ही अपनी बिग राइड स्टार्ट होने वाली है, उसी की तैयारियों में लगा हुआ हूँ, जल्दी ही आपको बताने वाला हूँ क्या क्या तैयारियाँ कर रहा हूँ। और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल के इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आईडी नीचे आ रही है, फटाफट से फॉलो कर लो। मिलते हैं, जय हिंद।